हैलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अज आप गल करनी हैगी आयस राइटिंग की। तो अपने को राइटिंग टास्क टू हैगा, तो अपने को एट टाइप्स के जोड़े राइटिंग होंगे है टास्क टू आयस में, है ना। तो आप जो अज गल करते पे हाँ रीजनस एंड सोल्यूशन की, जिदे पिछे आप प्रॉब्लम का रीजन दसना होंगे एंड उसके सोल्यूशन दसने होंगे, ठीक है। तो अज अपने को टाइप हैगी। इस वीडियो दे विच मैं थोनू एक सैंपल आंसर दूंगी, जिहड़ा मैं पूरी तरह थोनू है ना कंक्लूजन इंट्रो बीबी वन बीबी टू चंगी तरह स्ट्रक्चर दस्या हैगा वी तुसी किद्दां एक्सप्लेन कर सकदे आ, किद्दां वोकैब ऐड कर सकदे आ, सेंटेंस वेरिएशन सारा कुछ दस्या सैंपल आंसर दे विच। तां मैं थोनू इस वीडियो दे विच सैंपल आंसर भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो अगे मैं थोड़ी जी सारी एक्सप्लेनेशन दसूँगी बीपी वन क्या है, बीपी टू इंट्रो है ना की हों कि आप करना है, ठीक है। तो आंसर भी दसूँगी कि डिफरेंस आ 5.5 एंड 7+ जरा राइटिंग टास्क टू हैगा, ठीक है। तो अज आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जी स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट की है, हैल्थ एक्सपर्ट्स बिलीव दैट वॉकिंग इज़ गुड एक्सरसाइज फॉर हैल्थ। तो वो की कहते जो हैल्थ एक्सपर्ट है ना, वो बिलीव करते हैं कि जी वॉकिंग आ गुड एक्सरसाइज है, ठीक है। जाने कि वॉकिंग एज एक्सरसाइज अपना यह गुड हैगा हैल्थ लिए। हाउ एवर पीपल आर वॉकिंग लैस नाउअडेज, बट जे अजक लोग है ना वो जी वॉक बहुत घट करते, जाने तुरते फिरते बहुत घट है। वाई इज़ दिस हैपनिंग, तो ये क्यों हैपन हो रहा अपना जोड़ा बीपी वन की बनेगा, वाई इज़ दिस हैपन। तो यदा जोड़ा रीज़न जो बीपी फर्स्ट, तो जो बीपी टू की बनेगा, हाउ कैन पीपल बी इनकर्ज टू वॉक मोर, तो जो सोल्यूशन आ वो बीपी टू बनेगा, ठीक है। तो हूँ आप गल करते हैं बीपी वन बीपी टू चुं कि, ठीक है। तो यह बॉडी पैराग्राफ वन एंड बॉडी पैराग्राफ टू, ठीक है। तो फस्ट ऑफ ऑल की आप करना एक जो मेन आइडिया देना होंगे, जाने कि हूँ अपने को पहला बीपी के आप रीज़न दसने ना। तो मान लो जो तुम रीज़न दस रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी हो गया है ना, सपोज करो टेक्नोलॉजी अपना टास्क स्टेटमेंट होगी। बाचू जी टेक्नोलॉजी क्यों आनू जो सपोर्ट आइडिया मतलब आइडिया देना जो सपोर्ट करे भी क्यों आ टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर एग्जाम्पल देनी है, तुम सर्वे लिख सकते हैं, स्टडी लिख सकते हैं, बस इन्ना ध्यान रखना कि जी एग्जाम्पल आनी परसनल ना हो, ठीक है। तो उन्होंने जाने कि तुम कोशिश करो कि वह वर्ल्ड वाइड हो, ठीक है। तो अपने को एंड का जो बीपी का एंड करना, तो उन्होंने इफेक्ट न, ठीक है, रिजल्ट भी कहें, कई बच्चे रिजल्ट कहें, तो हैंस एज अ रिजल्ट है ना कुछ भी लिख के तुम जो इफेक्ट दस सकते भी की इफेक्ट की है इस चीज़ का। तो बीपी टू भी तुसी सेम टास्क स्टेटमेंट सपोर्ट एग्जाम्पल एंड इफेक्ट्स, बट ये जो कनैक्टर्स आखरे वक्रे यूज़ करने हैं, बिल्कुल मैच नहीं होने चाहिए। फोर कनैक्टर्स वो बीपी वन लिए, फोर कनैक्टर्स बीपी टू लिए, ठीक है। तो आप जो कोशिश करनी है कि जेडे आपां है ना एट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट करने है बिल्कुल मैच ना करन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीपी वन लिए की करना टू बिगिन विद, तो जो अपन सपोर्ट करना, ठीक है, टू एक्सप्लेन इट, बट जो एग्जाम्पल देनी है फॉर एग्जाम्पल, तो एट द एंड एज अ रिजल्ट, ठीक है। तो बाद बीपी टू का आप की करना फिर हाउ एवर एंड फरदर मोर। तो हाउ एवर थोड़ा पता जो आप बीपी फर्स्ट नालों जी गल चेंज करनी हो बीपी टू के, जो आप सेम गल करनी हो फरदर मोड, ठीक है। टू एलैबोरेट इट, जो एलैबोरेट करना है तो फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए, तो हैंस रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो हूँ अपने को आ गया जी ये ना हर एक टाइप होंगी जी एट टाइप्स होंगे अपने को, हर एक टाइप के वक्रे वक्रे जो कनैक्टर्स भी है लाइक है ना ऑन द रीजनिंग साइड जो कुछ भी वक्रे वक्रे कनैक्टर्स है, जे तुम वो मतलब लर्न कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा हर एक जी वीडियो जो भी आप राइटिंग टास्क टू की वीडियो बनावेंगे तो उस मैं थोड़ा दस दिया करूँगी, जे तुम वो लर्न करने थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव लगनगे। जे तुम नहीं भी कर सकते तो कोई इशू नहीं हैगा गा, तुम इन्हों याद कर लो, ये हर एक टाइप के ऐड कर सकते हैं। तो हूँ आप स्ट्रक्चर की भी गल करनी है, उस तो अगे देखते हैं आप। तो फस्ट ऑफ ऑल आप इंट्रो की गल करते हैं कि इंट्रो किदा, इंट्रो की अपने को रीफ्रेस प्लस थीसिस, ठीक है। तो आप दो चीज़ा रीफ्रेस तो आप जी स्टेटमेंट दी है उन्होंने चेंज करके लिखना होंगे, तो थीसिस के आप इन्ना क्लीयर करना कि आप लिखन जा रहे हैं अगे, ठीक है। भी जाने कि तुम बीपीस के लिखना कि साइड के एग्जामीनर क्लीयर होना चाहिए, जिन्ना तुम क्लीयर लिखोगे कन्फ्यूज नहीं करोगे एग्जामीनर, उन्हें एग्जामीनर है ना टाइम घट लगेगा थोड़ा चैक कर टाइम, तो वो जो मतलब जो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे है तो ईजीली आपको बैन दे देता, बट जो है ना आप खुद भी कन्फ्यूज़ हाँ आपको पता ही नहीं आप इंट्रो में की लिख रहे हैं बीपी में की लिख रहे हैं, है ना। तो फिर एग्जामीनर ने तो कन्फ्यूज़ होना ही होना है ना, तो इसलिए जो आप थीसिस लाइन लिखते हैं तो आपको भी खुद को पता होंगे भी आप वाले पॉइंट्स लिखने है, ठीक है। तो गां एग्जामीनर भी पता लग जाता भी ये बच्चा इस साइड वाल जा रहा है गा, है ना। क्योंकि हुण देखो एक स्टेटमेंट आपां नूं मिल जाती है, हर एक बच्चे ने उत्ते वक्रा वक्रा व्यू लिखना होंदा वा, तो एग्जामीनर ने जो चैक करना फिर वो वक्रे वक्रे व्यू तो कितना बंदा कन्फ्यूज़ होंदा है गा, तो जो तुसीं पहले क्लीयर कर दोगे तो वो ईजीली कर सकता है, ठीक है।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 40 ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਟਾਸਕ 2 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਵਾਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫੋਰ ਹੈਲਥ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਮਾਇੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁੱਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਲਾਈਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸੋ ਪਾਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਆਈਡੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਪਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਪਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾਈਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਆਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਨ ਦਿਸ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾਓ ਆ ਡੇਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ ਦਿਸ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਵਰਡ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਨੋਟ ਇੰਟਰਸਟਡ ਟੂ ਵਾਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵਾਕ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਲੋਕ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਦੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪੁੱਟ ਇੰਫੈਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਵਾਕਿੰਗ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਡੈਟਰ ਮੈਨੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਟੇ ਫਿਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਟੇ ਫਿਟ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੈਗੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਨਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਹੈਕਟਿਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਓ ਐਵਰ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਵਡ, ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹਾਓ ਐਵਰ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਵਡ ਬਾਏ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਓ ਐਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਓ ਐਵਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਨੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਓ ਐਵਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਵਡ ਬਾਏ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਕਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਫ ਬੈਂਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਫ ਬੈਂਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਕਲੂਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 1 ਬੈਂਡ ਐਂਡ 2.5 ਦਾ ਬੀ ਪੀ ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੀ ਪੀ 1 ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਪੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇਣੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਸਟ ਬੀ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਐਸੇ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਇਹ
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ? ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟੋਪ, ਹੈ ਨਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਕੈਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਊਜ਼ ਦੈਟ ਮੇਡ ਦਿਸ ਹੈਪਨ ਇਜ਼ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਫਸਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਇਟ ਇਨ ਦਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਐਰਾ, ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਐਰਾ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਰਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ, ਹੈ ਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਰਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਐਰੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਐਰਾ ਪੀਪਲਸ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਇਫ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਇਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਦੈਨ ਦੇ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਬਾਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ, ਮੋਟਰਸ ਵਹੀਕਲਸ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਵਾਕ। ਤਾਂ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਇਨਸਟੈਡ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਬਜਾਏ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ 'ਤੇ, ਵਾਕ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਹੀਕਲਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਦੇ ਕੈਨ ਸੇਵ ਬੋਥ, ਬੋਥ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੋਕੈਬ ਦਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਕ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੈਨ ਸੇਵ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੋਥ ਦੇਅਰ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਨਰਜੀ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਕੈਬ ਦਾ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਦੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਐਨੀਵੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਇੰਸਟਾਂਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ, ਅ ਸਰਵੇ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਏ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਹੈਗਾ ਗਾ ਹੈਲਥ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਅ ਸਰਵੇ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਏ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ, ਤਾਂ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 95% ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੋ ਦਾ ਅਪਸਾਈਡ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਾਕਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ 95% ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਾਕਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਦੇ ਡੂ ਨੋਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਜ਼, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਜ਼ ਦੇਅਰ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਔਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਕਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਰਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਐਜ਼ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਫਰਟ ਟਰੈਵਲ ਬਾਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਅਵੋਇਡ ਵਾਕਿੰਗ, ਐਜ਼ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਫਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਫਰਟ ਟਰੈਵਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਟਰੈਵਲ ਆ, ਬਾਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਅਵੋਇਡ ਵਾਕਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਫਰਟ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਟਰੈਵਲ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ।
इन एडिशन, तो इन एडिशन बच्चे तुसी कित्थे यूज़ करना, जिथे थोड़े कोले आईडिए दो हैगे आ। ठीक है, तो हुण मैं तुहानूं एक बार इंट्रो शो कर दी हाँ। इंट्रो विच आपां आईडिए दो, बट जिहड़ा सोल्यूशन आपां जस्ट एक ही मैनशन किया, जिन्हें थोड़ा पता। जे थोड़ा सोल्यूशन भी दो पता, तुसी सोल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर तुसी बीपी टू दे विच ला सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, इतों भी इलावा एक सोल्यूशन हैगा। तो मेरे माइंड में इस स्टेटमेंट देखे जस्ट एक ही सोल्यूशन आया सीगा, तो मैं सोचा एक ही सोल्यूशन ठीक है, तो मैं जस्ट इतने अवेयरनैस प्रोग्राम दसिया। तो तुसी इतने लिख सकते कैन बी सॉल्वड बाय अवेयरनैस प्रोग्राम, तो एज वैल एज तुसी कोई होर जे थोड़े है ना सोल्यूशन हैगा माइंड के, जां तुसी कह सकते हैं भी लोगों नूं अपना टाइम टेबल सुधारना, कुछ भी आ, तो तुसी वो एंड पाके लिख सकते हैं। ठीक है, तो बट हुण आपां जिहड़ा रीजन सीगे वो आपां दो दसे आ, तो ये तुसी ध्यान रखना। जे इंट्रो विच तुसी दो दित्ती आ, तां तुसी बीपी च भी दो ही दसोंगे, जे तुसी एक दसिया तां एक, बट एक्सप्लेन करना, तुसी एक नूं चंगी तरह एक्सप्लेन कर दो, चाहे तुसी दूसरा ना लिखो। ठीक है, बट जे तुसी दूसरा लिख रहे हो उहनूं तुसी उहदी कोई सपोर्ट आईडिया कोई एग्जाम्पल इफेक्ट नहीं लिखना, उहदा जस्ट तुसी उहनूं दो क लाइनां दे विच एक्सप्लेन कर दो। मैं तुहानूं दस्सदी हां किद्दां करना। लाइक टेक्नोलॉजी का हूँ अपने को फर्स्ट सीगा, उन्होंने आप चंगी तरह एक्सप्लेन करता भी किदा टेक्नोलॉजी है, किड़े हिसाब न की यदि एग्जाम्पल है ना, इफेक्ट भी दसता। तो हूँ एट द एंड आप जो हैक्टिक लाइफ स्टाइल का दसना, यह क्योंकि आप ऑलरेडी मैनशन कर चुके हैं इंटरव्यू के, तो आपको लिखना ही पेगा। ठीक है, हैक्टिक लाइफ स्टाइल, तो हूँ आप देखते हैं कि कहता है इन एडिशन। हूँ इन एडिशन पा दिता क्योंकि इनू आप कोई मतलब कि वक्रा एक आइडिया होर है भी, वो कहना टेक्नोलॉजी तो हैगी है, उस तो इलावा भी एक होर है जोड़ा इफेक्ट है। ठीक है, वो की है हम देखते हैं हैक्टिक, तुसी हैक्टिक दी जगह ते जे तुसी है ना इंट्रो दे विच हैक्टिक लिखता, तो तुसी इत्थे बिजी भी लिख सकते हो। ठीक है, बिजी लाइफ स्टाइल आलसो फोर्स दैम टू चूज टेक्नोलॉजी इंसटैड ऑफ डू वर्क बाय हैंड। तो यह एक ज दो लाइन्स के जस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं इन एडिशन की पा जो हैक्टिक लाइफ स्टाइल है वो ऑलसो, वो कहना वो भी जरा ऑलसो का मतलब होंगे जो आप कहना भी चीज़ है तो यह भी नाल ही है। ठीक है, ऑलसो फोर्स दैम टू चूज टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने फोर्स कर दी कि तुसी टेक्नोलॉजी चूज करो इंसटैड ऑफ वर्क डू वर्क बाय हैंड, ता जो कोई भी काम हो जाने बाय हैंड का मतलब होंदा हैगा भी आप करना फिजिकली आप करने नालों, तो आप जो कर सकते हैं टेक्नोलॉजी राही करिए, उन्होंने फोर्स करता है काम क्योंकि उन्होंने को टाइम नहीं है गा, बिजी है लाइफ स्टाइल, दैट्स वाई। ठीक है, तो इन एडिशन बाकी आप लिखता, तो हूँ अपने जो दोनों रीजन से वो बीपी वन के हो गए, तो हूँ आप शिफ्ट करना वा सोल्यूशनस वाल। ठीक है, तो हूँ अपने को इतने हाउ एवर आ गया क्योंकि गल चेंज कर रहे हैं आप हाउ एवर, बट आप जो इंट्रो के मैं कहा हाउ एवर लाता, तो हूँ तुम इतने वाइल ला सकते हैं, ऑन द अदर हैंड ला सकते हैं। ठीक है, तो जे तुम एक लाइन पूरी लिखनी है तो तुम लिख सकते हैं शिफ्टिंग टू वर्ड्स द अदर साइड ऑफ। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं इदा द करैक्टर्स भी तुम लिख सकते हैं, जेकर थोड़ी लेंथ के कोई प्रॉब्लम हैगी, लेंथ थोड़ी घटती हैगी, बाकी तुम हाउ एवर वाइल्स ऑन द अदर हैंड भी स्टार्ट कर सकते हैं। हूँ अपने को आ गया गा कि आप जे सोल्यूशन की गल करिए, सोल्यूशन जस्ट आप एक दस इंट्रो के एक ही करना, उन्होंने चंगी तरह एक्सप्लेन कर दो, जस्ट इफेक्टिव लिख दो, आइडिया बेशक एक हो बट इन्ना इफेक्टिव हो कि जो एग्जामिनर पढ़े तो अपना जोड़ा इंप्रैशन उ पै जाए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रैशन इज लास्ट इंप्रैशन। ओके, तो हूँ आप करते हाउ एवर सोशल माइंड शिफ्ट एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन प्ले अ पिवोटल रोल टू मिनीमाइज द एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, तो जोड़ा सोशल माइंड है जाने कि लोगों का माइंड एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन वो कर सकते हैं कि कैन प्ले जो उन्हों का योगदान है ना वो एक पिवोटल का मतलब होंगे है महत्वपूर्ण। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी जोड़ा रोल है गा प्ले करते हैं कार टू मिनीमाइज द एडवर्स, एडवर्स का मतलब होंगे है गा बुरे प्रभाव। ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट तुम उ ला सकते जिते बुरे प्रभाव आ, मिनीमाइज द एडवर्स इफेक्ट्स। तो ये आप जी जस्ट मेन लाइन लिखती है, उस तो बाद आप जो टास्क स्टेटमेंट लिखनी हैगी है। फर्स्टली लॉ मेकर शुड ऑर्गेनाइज अवेयरनैस कैंप्स टू स्प्रैड अवेयरनैस अमंग सिटीजनस। ठीक है, तो हूँ पीपल आप हर जगह के पीपल लिखे जा रहे थे, तुम इंडिविजुअल्स लिख सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो इतने आप सिटीजनस कर दिता क्योंकि गवर्नमेंट अपने है ना नेशन लिए कर रही है, तो वो सिटीजन हुए, दैट्स वाई आप सिटीजन इतने लिख दिता। तो कुछ भी तुम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोशिश करो भी अपने जोड़े पीपल बार बार लिखने की बजाय आप जो चेंज कर दिए। ठीक है, थोड़े थोड़े वकैब के वर्ड जरूरी नहीं होंगे, डिफिकल्ट वर्ड लो बस थोड़े चेंज करी चलो, ये इफेक्ट पै जाता। ठीक है, फर्स्टली लॉ मेकर शुड ऑर्गेनाइज अवेयरनैस कैंप, तो उन्होंने फर्स्टली की चाहिए गवर्नमेंट को, लॉ मेकर का मतलब भी गवर्नमेंट होंगे। ठीक है, लॉ मेकर मीनिंग गवर्नमेंट। ठीक है, तो जाने कि वह जो समानार्थक वर्ड हैगा गा सिनोनियम वर्ड। ठीक है, फर्स्टली लॉ मेकर शुड ऑर्गेनाइज अवेयरनैस कैंप्स टू स्प्रैड अवेयरनैस, कि अवेयरनैस नूं फैलाउण लई अमंग सिटीजन सिटीजन दे विच। ठीक है, टू एक्सप्लेन इट, हुण इहनूं आपां एक्सप्लेन करना है, टास्क स्टेटमेंट होगी, आपां हुण इहनूं एक्सप्लेन करदे हां।
नॉलेज अबाउट द बेनीफिट ऑफ वॉकिंग इनकर्स हूमन टू वॉक मोर, कि जिहड़ी नॉलेज हैगी है ना अबाउट द बेनीफिट्स से, जाने कि जो उन्होंने पता लग जूगा नॉलेज होगी उन्होंने भी की बेनीफिट्स आ वॉकिंग के, तो वो जो होर इनकर्स हो गए कादे लिए वॉक मोर, जाने कि होर वॉक करन लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो हूँ अपना जो इतों तक आइडिया हो गया एक्सप्लेन तक, ठीक है, तो हूँ अपने को जी आ गया फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप इतने ऐड करनी है। ठीक है, उतने आप लिखे से अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय, ठीक है, तो हूँ इतने आप थोड़ा जहा चेंज करके लिखता फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, हूँ इतने भी आप जो इदा ही लिखा है ना स्टडी वॉज कंडक्टेड बाय, है ना, तो यह सही नहीं लगेगा, थोड़ा जहाँ चेंज कर देता अकॉर्डिंग टू अ स्टडी नॉलेज प्लेस एन असेंशियल रोल इन लाइफ, जिहड़ी नॉलेज हैगी ना वो एक बहुत वड्डा रोल जिहड़ा प्ले करती हैगी आ जिंदगी दे विच, बिकॉज दिस इज़ द रियली सिंपल वे टू चेंज पीपल्स नैगेटिव माइंड सैट, तो यह की है एक सिंपल वे आ सिम बहुत ही सिंपल जो तरीका है जोड़ा कि पीपल्स के जो नैगेटिव माइंड सैट न चेंज कर सकता। ठीक है, चाहे जो पीप लोग सोचते हैं भी नहीं असी करनी वॉकिंग, तो जो उन्होंने को नॉलेज होगी लाइक उन्होंने पता होगा भी आदि इफेक्ट है ना साड़ी हेल्थ लिए, तो वह फिर करे है ना, चाहे वह नहीं चाहते है, तो अगे अपने को आ गया रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या, हैंस इट मे बी हेल्पफुल टू मोटिवेट पीपल, वो कहें ये हेल्पफुल हो सकता पीपल्स नू मोटिवेट करन लई, दे विल गिव प्रेफरेंस टू वॉकिंग टू गैट हैल्थी बॉडी, क्योंकि वो प्रेफरेंस देंगे फ्यूचर से विल लाया हो गया आप, क्योंकि जो गवर्नमेंट ये करूगी है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करूगी कैंप्स अवेयरनेस कैंप्स अवेयरनेस प्रोग्राम, तो फिर वो विल करनगे है ना, दैट्स वाई आप विल यूज़ किया, गिव प्रेफरेंस टू वॉकिंग टू गैट हैल्थी बॉडी, कि हैल्थी बॉडी पाने के लिए वह उन्होंने प्रेफरेंस देंगे वॉकिंग। ठीक है, तो हूँ अपने को जरा यह हो गया बी पी टू, तो जे थोड़े को एक सोल्यूशन होर हैगा तो तुम की लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, तो यह भी एक कनैक्टर हैगा, तुम इनू ऐड करके उस तो बाद लिख सकते हैं तुम जिहड़ा भी थोड़ा कोई भी सोल्यूशन हैगा। ठीक है, लाइक तुम अवेयरनेस कैंप्स लिखता तो लोगों द्वारा भी तुम कुछ लिख कुछ ऐड कर सकते हैं कि लोगों को एफर्ट्स देने चाहिए या उन्होंने चाहिए कि टैक्नोलॉजी का लिमिटेड यूज़ करना, है ना, वी लिमिटेड यूज बाय टैक्नोलॉजी, तुम यह भी जरा दूसरा सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं जे थोनों इमीडिएटली आ गया। कई बार इदा हुंदा कि आपां नूं एक ही है ना आउंदा हैगा, तो बच्चे कहिंदे साडे कोल जस्ट एक ही आइडिया, तो असीं इहनूं किद्दां एक्सप्लेन करांगे, तुसीं चंगी तरह एक्सप्लेन कर दो, चाहे आइडिया एक लिख दो बट थोड़े मतलब है ना फिर थोड़े स्कोर पक्के आ जे तुसीं चंगी तरह एक्सप्लेन किया, जे तुसीं आइडिया भावें फोर लिखे फाइव लिखे जो तुसीं एक्सप्लेन ही नहीं किया है ना चंगी तरह समझ ही नहीं आ रहा सारा कुछ मिक्स आ, तो फिर स्कोर आना बहुत ज़्यादा औखा। तो हुण गल करदे हां एट द एंड कंकलूजन। ठीक है, इन कंकलूजन टू कंकलूड इट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंकलूजन लिए ऑल दो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड बिजी लाइफ स्टाइल, तो दो आप रीजन दसे है ना आर मेन रीजन ऑफ डिकलाइनिंग, उतने आप काउज लिखे से तो इतने आप रीजनस लिखता। ठीक है, रीजनस ऑफ डिकलाइनिंग वॉक इंटेंसिटी अमंग पीपल। ठीक है, तो इंटेंसिटी का मतलब होंगे तीव्रता। ठीक है, जी वॉकिंग की तीव्रता हैगी वो डिकलाइन हो रही है, इन्हें ज मेन रीजन केड़े है टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट एंड बिजी लाइफ स्टाइल। ठीक है, पीपल येट विद द हैल्प ऑफ येट। ठीक है, अमंग पीपल येट, तो जो ऑल दो लग्या उदो बट नहीं लगेगा, बहुत सारे बच्चे लिख देंगे ऑल दो एंड बट, नहीं तुम ऑल दो बट बिल्कुल नहीं यूज़ करना, येट यूज़ होंगे। ठीक है, इतने तो तुम लिख सकते येट विद द हैल्प ऑफ अवेयरनेस कैंप्स, अवेयरनेस की कैंप्स की हैल्प के नाल जी गवर्नमेंट कैन टेक टैकल विद दिस प्रॉब्लम, तो जी गवर्नमेंट वो टैकल कर सकती है इस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। ठीक है, निजिठ सकती है इस प्रॉब्लम के नाल अवेयरनेस कैंप्स नू ऑर्गेनाइज करके। ठीक है, तो अपना जिहड़ा अज दा जिहड़ा राइटिंग टास्क यही सीगा, मैं थोनों ये दसना सीगा कि भी आपां किद्दां जिहड़ा ये सैंपल आंसर दस्सिया हैगा थोनों, तो आपां स्कोरस की गल की है टाइम की गल की है सारा ये थोड़े जिहड़े डाउट्स है मैं कोशिश की है कि क्लीयर हो जाए, जे फिर भी कोई डाउट हैगा तो तुसीं वीडियो के कमेंट सैक्शन बॉक्स तुसीं पुछ सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली जिहड़ा उहदा रिप्लाई करूँगी। तो आई होप थोनू जी वीडियो पसंद आई होगी, तो जेकर वीडियो यूजफुल लगी इंपोर्टेंट लगी थोड़ू लगे कि थोड़े लिए यूजफुल हैगी तो वीडियो लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।